हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है लव गोल्ड रूपाराणी। तो आज दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नोज पिन का वीडियो। तो ये नोज पिन ना खासकर मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लोग बहुत ही छोटा नाक का पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि बहुत ही छोटा, जो कि मतलब दूर से तो दिखे भी नहीं लेकिन पास से थोड़ा दिखे। और ये जो नोज पिन है ना, वो अधिकतर मतलब जो बच्चे हैं यानी कि छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं या फिर हाई क्लास में भी अगर पढ़ती हैं ना, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग कॉलेज आते हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा नोज पिन बड़ा सा या फिर नथिया वगैरह इस टाइप का पसंद नहीं है, तो वो ना छोटी सी नोज पिन पहन सकते हैं, जिसको कि मैं आज दिखाने वाली हूँ। वो इस तरह की डिब्बी मिलती है, आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो मतलब सोने चांदी की जहाँ मिलती हैं, वहीं पे आपको इतनी छोटी सी डिब्बी में आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा डिज़ाइन दिखाया जाता है, उसमें से आपको चुनना रहता है कि आप कौन सा लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन सा है और इसको मैं पहन कर दिखाऊँगी। तो ये ना ऐसी छोटी सी है लेकिन उसकी डंडी बहुत बड़ी है, फिर नीचे से ऐसे पेच डाल के और उसको बंद करना है। तो चलिए दिखाती हूँ कि डिज़ाइन कैसा है दोस्तों। ठीक है, देखिए इस टाइप का डिब्बी मिलता है, तो इसमें तो खैर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब आप कोई बहुत बड़ा सा अगर आप सामान लेते हो ना, तो उसमें बड़ी वाली डिब्बी अगर मिलती है ना, तो उसमें नाम भी लिखा रहता है किस ज्वेलरी शॉप से ये लिया गया है। तो ये बता दूं कि ये गोल्ड नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो देखिए ये किस तरह का है, बहुत ही छोटा है। ये देखिए इसकी पेच यहाँ है, जिसको मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले तो आप ये देख लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे उमस किया हुआ है जैसे कि इतना ज़्यादा गर्मी भी है ना। ये देखिए कितनी छोटी सी है, चलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। तो जो कॉलेज जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं, उन लोगों के लिए ये नोज पिन है। देखिए बहुत सुंदर लग रही है ये, और बहुत छोटी है, देख सकते हैं मेरे नेल्स के पास है ये, और इसका कुछ मतलब पता पता नहीं चल रहा है, बहुत छोटा है। ये देखिए इतनी छोटी है ये, तो चलिए इसको मैं पहन कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये मैं हमेशा पहनती हूँ और ये मेरी सोने की है नथिया। और जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ दोस्तों, तो मैं ये जो भी मैं पहनने रहती हूँ उसको खोलती हूँ, उसके बाद जो नया रहता है उसको पहनती हूँ, उस वक्त पहन के आपके सामने दिखा देती हूँ कि हाँ ये इस टाइप की नोज पिन है, या फिर नथिया की रिव्यू करती हूँ, नथिया दिखाती हूँ, या फिर गुलाब का वीडियो भी मेरे चैनल पर काफ़ी सारे दोस्तों। मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आते हैं आपको नोज पिन, नोज रिंग और साथ ही नथिया, बड़ा वाला नथिया, छोटा वाला नथिया, और अलग अलग तरह के आपको ईयर रिंग्स को मैं नोज में पहन कर दिखाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है लाइक, और बहुत ज़्यादा अगर पसंद आती है ना, तो इसको ढेर सारा शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ, और चलिए मैं इसको पहन कर दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसको खोल लूँ, खोलने का तरीका, काफ़ी ज़्यादा पसीने हो रखे हैं, और इसको इस तरह से खोल लूँगी मैं, और इसको वापस इसी डब्बे में रख दूँगी, कहीं भूल ना जाए, क्योंकि सोने की है। और ये मैं फिर से दिखा दे रही हूँ जो लोग नहीं देखे हैं, ये मेरी सोने की है, और ये 2300 रुपये की मैंने ली थी वाराणसी के हरे कृष्णा ज्वेलर शॉप से। तो दोस्तों ये कॉलेज के लिए बहुत ही सुंदर है। तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल ही कॉलेज या फिर स्कूल में जो जाने वाली लड़कियाँ होती हैं ना, उस टाइप से थोड़ा सा लुक क्रिएट की हूँ, जैसे कि मैं इयर रिंग्स भी बहुत छोटी पहनी हूँ, तो मैं यहीं पे इयर रिंग्स पहनती हूँ, और देख सकते हैं मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है। तो यहाँ देखिए इसको पहना कैसे जाता है, इसकी डंडी देखिए कितनी ज़्यादा मोटी है, मतलब जितना ये नहीं है ना, उतने से ज़्यादा ये इसकी डंडी है। देखिए ये देखिए डंडी बहुत मोटी है, मतलब मुझे लग रहा है कि घुसेगा कि नहीं, बट मैं इसकी वीडियो एक बार आपको दिखाई थी ग्रुपिंग में, उसमें बहुत सारी आपको नोज पिन की वीडियो दिखाई थी, तो आप लोग भीड़ में उतना नहीं पता कर पाए होंगे, लेकिन मैं स्पेशल इसकी वीडियो लेकर आ गई हूँ। और ये तो बिल्कुल मेरे नाक में पता ही नहीं चली, ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं इसको नीचे से खींच दूँ, नीचे से खींच दूँ ना, ये देखिए डंडी दिखाती हूँ मैं,
बहुत गर्मी है, बाप रे। इसकी डंटी है जो यहाँ तक आई है, इसमें मैं पेच लगा कर दिखाती हूँ। पेच भी मैं दिखा दे रही हूँ आपको कैसी है। ये देखिए, ये पेच है इसकी। तो उसको बहुत मतलब दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये देखिए बहुत छोटी है ऐसे। ये सिल्वर कलर की है। ये जो नोज पिन है ये आर्टिफिशियल है, सोने की नहीं है। ये मैंने 5 रुपये मिली है मात्र मैंने 5 रुपये मिली है। वो भी अपने ससुराल की तरफ बेचने आती है, एक श्रृंगार वाली चूड़ी वगैरह ज़्यादा होता है तो वहीं से मैंने लिया है। तो सोची कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ तो मैं ले लेती हूँ। चलिए इसमें डाल के दिखाती हूँ मैं ये। अगर मैं मोबाइल में देखूंगी ना तो ये घुसा नहीं पाऊंगी, इसलिए अंदाज से मैं घुसाती हूँ। तो ये देखिए, ये घुस चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको पुश कर दूंगी अच्छे से। वैसे ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं देखती हूँ अगर नीचे से खींचती हूँ ना तो ये पूरा खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है। लेकिन पहले आप ये डिज़ाइन देखिए। तो दोस्तों देखिए कि मैं बिल्कुल ही सिंपल हूँ और आपके लिए सिंपल सा लुक क्रिएट की हूँ। वैसे तो मैं बता दूँ कि जब भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ नोज़ पिन की या फिर नोज़ रिंग की कुछ भी, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको मतलब उस हिसाब से लुक भी क्रिएट करती हूँ। अगर मैं बड़ा सा नथिया पहनी हूँ तो उसके लिए मैं साड़ी यूज़ करती हूँ, उस जैसा जूड़ा या फिर उस जैसा लुक्स क्रिएट करती हूँ ज्वेलरी के साथ। और आज मैंने जो लुक क्रिएट किया है ना, वो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सिंपल वाला है। मतलब जो कॉलेज आती है लड़कियाँ उन लोगों के लिए, तो वो लुक तो बहुत सिंपल रहती है। तो सिंपल नोज़ पिन भी उन लोगों को चाहिए। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना जो सिंपल नोज़ पिन पहनना पसंद करते हैं, तो जब सिंपल नोज पिन रहेगा एकदम सिंपल, तो आप समझ सकते हैं लुक भी क्रिएट तो सिंपल ही होगा। तो बस सिंपल ही आपको मिल रहा है। तो छोटी सी इयर रिंग्स है गले में, कुछ भी चैन वगैरह लॉक वगैरह लोग डाल लेते हैं लड़कियाँ या कॉलेज में जाने वाली। और हेयर स्टाइल तो आप देख ही सकते हो कि थोड़ा सा स्टेप्स मैंने ट्विस्ट कर करके और हेयर को यहाँ देखिए 1, 2 और 3 और ये 4 लेयर मैंने किया है जो छिप गया थोड़ा, तो ये वाला क्रिएट किया है मैंने। और मैंने अभी अभी हेयर कटिंग भी की है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नोज़ पिन तो ऐसे नहीं पहनती हूँ, और नोज़ पिन मैं क्यों नहीं पहनती हूँ ना आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि जब ये वाला जो नोज़ पिन जैसे इस टाइप का होता है ना, तो अंदर से ये क्या होता है देख सकते हैं, ये इस टाइप की होती है ना, ये देखिए। ये जब ऐसे जो निकली हुई, अगर ये किसी ने मार दिया ऐसे, बस यहाँ दर्द हो जाना है इस हड्डी पे, यहाँ जो नाक के अंदर हड्डी होती है ना जो पूरा एकदम रेड रेड होता है, ऐसे किसी ने मार दिया तो बस चोट लग गई। तो मुझे बहुत डर लगता है नोज़ पिन पहनना, लेकिन जिन लोग पसंद है ना, बहुत से लोग नोज़ पिन पहनते हैं और मैं भी नया नया एक ली हूँ, पिछले साल ली थी, पिछले 2 साल हो गए, जिसकी वीडियो भी मैंने फर्स्ट टाइम चैनल पे उसी की मैंने अपलोड की थी, आप लोगों ने बोला था। बट वो वाली मैंने बहुत 6 मिनट की शायद वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन वो आप लोगों को पसंद आई थी, तभी तो उसमें 8,000 लगभग व्यू आए हैं, 8-9 हज़ार व्यू आए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए तो यही सोच के फिर मैं आप लोगों के साथ इतने सारे नोज़ पिन गुलाब और नोज़ रिंग की वीडियो शेयर की है। तो दोस्तों आप लोग को एक काम और करना है, मुझे अभी याद आया कि अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं और नोज़ पिन या फिर नोज़ रिंग या फिर नथिया, बड़ी बड़ी नथिया की वीडियो अगर अपलोड करूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना मतलब तो आप लोग मीशो पे बहुत सारा मिलता है, तो आप अगर जो आपको पसंद हो ना, तो आप उसका एक कोड होता है, जो भी आपको नथिया पसंद है जिसका कि आप चाहते हैं कि मैं उसको पहन कर आपको दिखाऊं,
तो बहुत ज़्यादा महंगा मत देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि जो आप वहाँ दिखाते हैं ना मीशो पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, लेकिन जो मैं यहाँ दुकान में लेने जाऊँगा ना तो वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया ना कि ये मात्र 5 रुपये की है, आपको मीशो में 5 रुपये में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ इस टाइप की, तो आप बड़ा सा नथिया का आप कर सकते हैं, या फिर जो आपको जो पसंद हो आप करिए। और अगर उसमें से मैं चुनूंगी जिसका भी अच्छा होगा, मतलब मेरे पसंद लायक करूंगी। तो दोस्तों, अभी तो राजपूताना नथ मैं सोच रही हूँ खरीदने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ना वहाँ देखना मीशो पे, जो आपको अच्छा लगेगा ना वो आप मुझे कोड बताना, मैं उसको ज़रूर खरीदूँगी और पहन कर दिखाऊँगी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। खोलने का तरीका क्या है, बहुत से लोग जो शहर में रहते हैं ना, उन लोगों को नहीं पता होता है कि नोज़ पिन को कैसे पहना जाता है, कैसे खोला जाता है। मैंने इस वीडियो में दिखाया ना कैसे पहनना है, मतलब आप इसमें डालिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप आईने में देख के सोचोगे ना कि ऐसे देख देख के फिर मैं इसमें घुसा लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। आपको ऐसे डालना है लेके, और आपको अंदाज़ लगाना कि कहाँ इसका छेद हो सकता है, बस उसी में ऐसे घुसा देना है। तो चलिए, अभी निकालना है, मान लीजिए, तो इसको ऐसे निकालेंगे, नीचे पकड़ लेना है और ऊपर पकड़ लेना है, ठीक है। नीचे ऊपर मैंने कस के पकड़ लिया, आप खींच देना है, देखिए निकल गया। तो अब ना मैं देखती हूँ कि नीचे से ये खींचने पे निकलता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी डंटी मोटी नहीं है ना, उससे ज़्यादा, मतलब ये जितनी बड़ी नहीं है, इससे ज़्यादा ये बड़ी है। नहीं निकलेगी, चलिए इसको ऊपर से ही निकाल दूँ। आप ऐसे निकाल तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे, ये देखिए निकल गई। तो ये देखिए, ये मेरे नाक में ये छेद है इतना बड़ा, और मेरी नाक 3 बार छेद गई थी, एक दो और एक तीसरी बार में टिकी है, 2 बार में मैंने उसको बंद करा दिया था क्योंकि मैं छोटी थी। और इसकी भी स्टोरी, रियल स्टोरी मेरे चैनल पे है कि मेरी नाक कैसे ज़बरदस्ती छेदी गई है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए चैनल पर जाके, और बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, अब मैं जो रोज़ पहनती हूँ वो वाली पहन कर आपको दिखाती हूँ। पहले इसको करना है ऐसे ओपन, ठीक है, इसको डालना है अंदर, ये अंदर गया। अब ये आवाज़ किया ना, चलिए फिर से सुनाती हूँ। तो
तो समझ जाइए कि ये लॉक हो चुका है। तो ये लॉक हो गया और मैं ऐसे ही रहती हूँ हमेशा।